हाय, मैं हूं डॉक्टर सचिन गोयल, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड बॉडी पॉस्चर स्पेशलिस्ट। और जिस समस्या के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उस समस्या से इस दुनिया का लगभग हर एक इंसान जूझ रहा है, और उस समस्या का नाम है तनाव, यानी स्ट्रेस, यानी टेंशन। क्या होता है ये तनाव, क्यों होता है तनाव, और एक फिजियोथेरेपिस्ट होते हुए मैं इस समस्या के बारे में आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, आइए जानते हैं। तनाव हमारे शरीर की एक वो प्रतिक्रिया है, एक वो रिएक्शन है जो कि हमारे शरीर में कुछ बदलाव करती है। क्या होता है, हमारी किडनीज के ऊपर दो छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिनको एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं। जब भी हम तनाव में होते हैं तो ये ग्लैंड्स कुछ हार्मोन्स पैदा करते हैं जिनको बोलते हैं एड्रिनलिन और कॉर्टिसोल। ये दोनों हार्मोन्स मिलकर हमारे शरीर के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस पैदा करते हैं। मान लीजिए आप एक जंगल से गुजर रहे हैं और अचानक से आपके सामने एक शेर आ जाता है, तो उस वक्त आपके शरीर की क्या प्रतिक्रिया होगी? आप उस कंडीशन में केवल दो ही काम कर सकते हैं, या तो आप वहां से भाग जाएंगे या फिर थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि उस शेर से लड़ लें। और दोनों ही कंडीशंस में आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, और यही इन दोनों हार्मोन्स का काम है। आपके सिस्टम्स यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सिस्टम से मैक्सिमम ब्लड को निकाल कर आपके मसल्स में भेजा जाता है और आपको तैयार किया जाता है, जिससे आप उस सिचुएशन से, उस कंडीशन से या तो लड़ लें या फिर वहां से भाग लें। इस कंडीशन को कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। लेकिन मानिए अगर यही शेर 24 घंटे सातों दिन 365 दिन आपके सामने रहे, तो आपके शरीर की क्या प्रतिक्रिया होगी? लगभग कुछ ऐसा ही हमारे आजकल की आधुनिक ज़िंदगी में बना हुआ है। सुबह घर से निकलते ही रात को सोने तक हम लगभग इस तनाव के तलवार से जूझ रहे हैं। और यही तनाव, चूँकि बॉडी को पता है कि अगर तनाव है तो आपको कुछ इसी तरीके से ही रिएक्शन करना है। तो सोचिए अगर मसल्स के अंदर 24 घंटे आपके ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाएगा तो आपकी मसल्स की क्या कंडीशन होगी? क्या वहाँ पर कुछ बदलाव नहीं आएंगे जिससे आपको दिक्कतें हों? बिल्कुल आएंगी। तो ये बदलाव क्या क्या हो सकते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। सोचिए अगर यही फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आपके 24 घंटे चलता रहे, आपके सातों दिन चलता रहे और 365 दिन चलता रहे, तो आपकी मसल्स की क्या हालत होगी, क्या कंडीशन होगी? वहाँ पे मसल्स के अंदर ब्लड की ज़्यादा पूलिंग होने से वहाँ जो उसके फाइबर्स हैं वो धीरे धीरे स्टिफ होने लग जाते हैं, उनकी धीरे धीरे इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म होने लग जाती है। और इसके नतीजतन क्या होता है, आपकी मसल्स के अंदर कुछ नोड्यूल्स यानी जिसको हिंदी में कहें तो कुछ गांठें जैसी बनने लग जाती हैं, जो कि बाद में आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिक्कत देती हैं। यही प्रोसेस अगर बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है तो धीरे धीरे आपके जोड़ों में दर्द आना, आपकी मांसपेशियों में कमज़ोरी आना या मांसपेशियों में सूजन एक आम समस्या बन जाती है। क्या आप जानते हैं तनाव यानी जो आपका मेंटल स्ट्रेस है आपकी गर्दन की मांसपेशियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? आपकी गर्दन की जो पीछे की मांसपेशियां हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, जिसमें कुछ स्पेशल मांसपेशियां जो आपकी गर्दन को पीछे करने के लिए और जो कि साइड में करने के लिए आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। यही कारण है कि जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है उन लोगों को मेंटल स्ट्रेस भी ज़्यादा रहता है। और यही मेंटल स्ट्रेस जितने ज़्यादा लोगों को होता है उतना ही सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी ज़्यादा से ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो यदि आपको भी गर्दन में किसी तरीके का दर्द है, गर्दन में ही नहीं पूरे शरीर की मांसपेशियों में अगर आपको किसी तरीके का दर्द रहता है, थकान रहती है, मांसपेशियों में कुछ गांठें जैसी फीलिंग होती है, तो आप उसका एक कारण अपने तनाव को भी मान सकते हैं, अपने स्ट्रेस को भी मान सकते हैं। अपने स्ट्रेस पर ज़्यादा काम करिए अपनी मांसपेशियों को ठीक करने के लिए, यदि अगर आपको लगता है कि यही इसका एक मेन कारण है। हम आगे आने वाले वीडियोस में भी मेंटल स्ट्रेस और उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो आगे के वीडियोस को भी देखते रहिएगा और जानेंगे कि इस तनाव से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं। यदि आपको कोई ऐसी ही प्रॉब्लम है या आप किसी भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं जो कि आपके तनाव से या आपकी मांसपेशियों से जुड़ी हुई है, तो आप इस नीचे लिखे नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।